नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। और वीडियो की शुरुआत बस यहीं से करेंगे कि नई ओडीआई टीम का हुआ ऐलान और बदल गया कप्तान। जी हाँ, हम सभी को पता है कि T20 सीरीज इंडिया वर्सेस श्रीलंका खत्म हो चुकी है, अब बारी है ओडीआई की। यहाँ पर टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं, विराट कोहली वापस आ रहे हैं वहाँ पर, और भी कई खिलाड़ी यहाँ पर आप साफ तौर पर देखोगे, KL राहुल, श्रेयस अय्यर जो T20 टीम में सब खिलाड़ी नहीं थे, हर्षित राणा वहाँ पर शायद आपको नजर आएंगे। तो लिखना पड़ेगा क्या उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है नहीं मिलती है, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पर टीम इंडिया का तो कप्तान ऑब्वियसली बदला है, बिकॉज वहां पर कप्तान कोई और था और यहां पर कप्तान होंगे कौन, रोहित शर्मा। और वहां पर कप्तान, हम सभी को पता है, सूर्य कुमार यादव थे जो ODI टीम में होंगे ही नहीं, यहां पर साफ तौर पर कप्तान रोहित शर्मा होंगे। लेकिन इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि श्रीलंका की टीम, जी हाँ, श्रीलंका का कप्तान भी बदल चुका है, क्योंकि इससे पहले उनके कप्तान कुशल मेंडिस होते थे, लेकिन हम सभी को पता है कि T20 सीरीज में हमने देखा चरित असालांका, उन्होंने कप्तानी की T20 सीरीज में श्रीलंका की। तो अब श्रीलंकन बोर्ड का ये मानना कि भाई, मतलब अलग अलग कैप्टन आप नहीं रख सकते व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो T20 के अगर चरित असालांका हैं तो ODI टीम के कप्तान भी उनको ही बना दो। तो यहां पर अब चरित असालांका श्रीलंकन टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे ODI क्रिकेट में, यानी ODI टीम में। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी परफॉर्मेंस आएगी, बिकॉज T20 क्रिकेट में बिल्कुल नहीं आई, तीनों मैचों में आप देखोगे जब से कप्तानी मिली है एक भी मैच में उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। ऊपर से अच्छे जो बल्लेबाज थे वो स्टार्ट करके जा रहे थे, बल्लेबाज अच्छा स्टार्ट दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप हर मैच में आगे हो, आप तीनों मैच में फाइट दिखाओगे, तीनों मैच जीत पाओगे, लेकिन आप एक भी मैच नहीं जीत पाए। तीसरा मैच जो आपका जीता हुआ मैच था पूरी तरीके से आप उसको भी हार गए, तो वो एक बहुत बेकार चीज थी श्रीलंका के लिए। वहां पर साफ तौर पर जो श्रीलंका मैनेज करना चाहेगी, और चरित असालांका भी इस चीज को देखेंगे कि क्या वो अपने परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं और किस तरह से मिडल ऑर्डर को बेहतर बना सकते हैं। सबसे बेकार चीज पता है श्रीलंका की T20 टीम में क्या थी, कि वो 5 बल्लेबाजों के साथ खेल रहे थे, 6+5, यानी मतलब 6 बैटर कह लो आप, 7वें हसरंगा या कोई आ जाते थे, लेकिन उस तरह से कोई बैटिंग नजर नहीं आ रही थी उनकी, 7वें पे मतलब कोई मेन बैट्समैन उनका उस तरह से नजर नहीं आ रहा था, उनकी बैटिंग ही खत्म हो जा रही थी बहुत जल्दी, और स्टार्टिंग के 3 बैट्समैन ही जो कर रहे थे वो कर रहे थे, उसके बाद टीम एकदम कोलैप्स हो जाती थी। पहली बात तो बैटिंग शॉट, और फिर जहां 2-3 विकेट गिरे वो आपको कोलैप्स ही नजर आएगा फिर, बिकॉज सारे के सारे बॉलर्स आ जाते थे। तो वो श्रीलंकन टीम को यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं, किस तरह से बैटिंग को लंबी कर सकते हैं और कोलैप्स होने से रोक सकते हैं, कि अगर हमको ऊपर से स्टार्ट मिल रहा है तो किस तरह से इसको बेहतर स्थिति में ले जाएं, किस तरह से अच्छे स्कोर में कन्वर्ट करें, अपनी टीम को एक बेहतरीन टोटल दें, ये सारी चीज़ें श्रीलंका को देखनी पड़ेंगी, मैनेज करनी पड़ेंगी, नहीं तो अदरवाइज जो आपका हाल T20s में हुआ है वही ODIs में नजर आएगा। और चरित असालांका पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इसकी, क्योंकि T20 सीरीज आप बुरी तरीके से हार करा रहे हो, ना आपके वहां पर रन बने, ना सही से कप्तानी हुई, आपकी टीम की परफॉर्मेंस आई नहीं, तो इन चीज़ों को असालांका को यहां पर ODI में देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा क्या यहां पर कुछ बेहतर कर सकते हैं या फिर नहीं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका यहां पर फाइट देने में कामयाब होगा टीम इंडिया को या फिर नहीं, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या है आपकी राय।